बिहार में बड़े खाद्यान्न घोटाले का लगाया आरोप। केंद्र से बिहार सरकार के खिलाफ जांच कराने की मांग की। हायाघाट के पूर्व विधायक और राजद नेता अमरनाथ गामी ने बिहार में एक बड़े खाद्यान्न घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अकेले दरभंगा में पिछले 2 महीने के दौरान 15,000 क्विंटल अनाज का गबन हुआ है। इसकी जाँच खुद दरभंगा के DM कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह घोटाला पूरे बिहार में वर्षों से चल रहा है। यह भी आरोप लगाया कि इस घोटाले में बिहार सरकार और उसका खाद्य आपूर्ति विभाग खुद संलिप्त है। यह बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। दरअसल सूबे में बड़े पैमाने पर फर्जी कार्ड बने हुए हैं या फिर संपन्न लोगों के कार्ड बने हुए हैं जो राशन का उठाव नहीं करते हैं। ऐसे राशन को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। इस घोटाले का उनके पास पूरा सबूत है। इस घोटाले में खुद बिहार सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग शामिल है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की जांच CBI या किसी दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए। देखिए, दरभंगा में बड़ा खाद्यान्न घोटाला सामने आया है। 2 महीना में 15,000 क्विंटल खाद्यान्न का गबन हुआ है। 1 वर्ष में 90,000 क्विंटल, 1,00,000 क्विंटल के एवज में दरभंगा में केवल खाद्यान्न घोटाला हो रहा है। तो बिहार स्तर पर 40-50 लाख क्विंटल खाद्यान्न का घोटाला हुआ, ये प्रमाणित हम कर सकते हैं। ये प्रमाण इसका ये है कि बिहार में जो आवंटन है, फेक कार्डधारी की संख्या अधिक है, और फेक कहिए या जेनुइन कहिए, जैसे पैसा वाला का नाम है, नौकरी पैसा वाला का नाम है, संपन्न वर्ग का नाम है, उसका राशन कार्ड बन चुका है, आवंटन आ रहा, वितरण नहीं हो रहा। उस आवंटन को एगेंस्ट में ये लोग बाजार में बेचते हैं। लेकिन आज प्रमाणित हुआ, जिलाधिकारी महोदय जब जांच करवाए, अनियमितता पाई गई, बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। डीलर के यहाँ बचे हुए आवंटन के बाद, वितरण के बाद बचे हुए अनाज कैरी फॉरवर्ड होता है, स्टॉक आगे बढ़ता है, और उस स्टॉक को एक समय में सारा जीरो पर ला दिया जाता है। इसका प्रमाण मेरे पास पेपर है कि प्रधानमंत्री का जो मुफ्त अनाज बिहार के लिए आया, उसका अप्रैल तक का बचा हुआ अनाज को दिखाया गया, मई में शून्य कर दिया गया। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि बिहार सरकार का स्तर का घोटाला है, बिहार सरकार इसमें इन्वॉल्व है, बिहार सरकार का एक विभाग पूरा इन्वॉल्व है, बिहार सरकार इसका उद्भेदन सही से नहीं होने देगा। तो CBI जाँच करे या केंद्र सरकार का कोई एजेंसी जाँच करे। अगर इस घोटाला पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया तो हम ऑन डॉक्यूमेंट बात कर रहे हैं, हम न्यायालय में खुद इस विषय को लेकर जाएंगे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।